गाइस, मैं लक्ष्मी नगर आया हूँ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 है। मुझे यहाँ पे लैपटॉप लेना था, कंप्यूटर लेना था, तो मैं इस वजह से यहाँ पे आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने गूगल सर्च किया तो मेरे सामने ये हाई पॉइंट के नाम से शॉप आई थी, तो सबसे पहले मैं यहीं आ गया। और आप देख सकते हो कि ये मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से उतर के अंदर ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर आपको लैपटॉप के शॉप है हाई पॉइंट कंप्यूटर्स के नाम से। ये बोर्ड आपको यहाँ दिख जाएगा। मिलते शॉप के ओनर से। सर कैसे हैं आप? मैंने आपका गूगल पे वो देखा था, मैंने जैसे ही गूगल सर्च किया मुझे लैपटॉप की नीड थी, तो मैंने आपका ही सबसे पहले सजेशन आया ऊपर लक्ष्मी नगर में। तो मैं दरअसल वीडियो बनाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? नहीं, 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 नहीं। तो फिर सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे लैपटॉप की नीड है, तो आपके पास कौन कौन से लैपटॉप्स होते हैं, क्या क्या लैपटॉप्स होते हैं? मेरे पास ज्यादातर कमर्शियल सीरीज होती है। जी सर। ठीक है ना, तीन ब्रांड में करता हूँ, डेल, एचपी और लेनोवो। जी सर। और अगर कदम कम रेंज में चाहते हैं आप, 9,500 रुपए की रेंज में मेरे पास ये है i5। ओके। इसकी स्टार्टिंग अपने पास एचपी का ले लो चाहे डेल का ले लो, 9,500 रुपए की रेंज में स्टार्टिंग है। ओके। और इससे अगर कम रेंज में चाहिए तो मेरे पे एक C2D की रेंज में आते हैं, जो कि HCL हो गया, डेल हो गया, मिक्स मॉडल होते हैं वो लगभग 6,500-7,000 रुपए की रेंज में आती है। ओके। इसमें क्या है, 2GB रैम होती है, 160GB हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है। ओके। ये हमेशा रहने वाला नहीं है, कभी कभी आते हैं। बाकी जो रनिंग सेल है वो अपने पे डेल एचपी लेना वो, जिसके अंदर i5 में फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है। और एक ये है डेल का, ये भी फर्स्ट जनरेशन है, लगभग 9,500 रुपए रेंज में है लैपटॉप ये वाला भी। अच्छा। डेल का i5, और आप कंडीशन देखो मैं आपको दिखाता हूँ, खाली ये नहीं, इसे हटा दीजिए आप, मान ली कंडीशन एकदम एक रेट माल होगा, अपने कहीं किसी देखे दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आप, तो वैसे आप देख सकते हैं गाइस कितना चमका हुआ पीस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है ना, एकदम ब्रांड न्यू टाइप। और अगर किसी को लाइट वेट चाहिए, मिनी साइज में चाहिए, जी सर, तो अपने पास i5 में मिल जाता है 4th generation, जो भी, ये भी डेल का ही है। ओके ओके। हाँ, ये भी डेल कंपनी का ही है। कंडीशन आप देख लीजिए, मैं हटा देता हूँ उसको। ये देखिए, कंडीशन वाइज एक रेट माल होगा, और i5 4th generation होगा, 4GB रैम और 128 SSD होगी इसके। ओके। तो गाइज आप देख सकते हो कैसे बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये HP का है इसी साइज में, जो कि 6th generation की रेंज में आता है, i5 होगा 6th generation, 820G3। ओके। 8GB रैम और 256 M.2। और सर अगर बेसिक नीड की बात करूं, किसी बंदे की अगर नीड है कि बेसिक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, तो स्टार्टिंग रेंज कहां से स्टार्ट हो जाती है? 6,500-7,000 रुपए रेंज में स्टार्टिंग है। अच्छा। 4:2 होता है। ओके। C2D। इसके अलावा एक डेल में मॉडल आता है, काफी पॉपुलर मॉडल है डेल का, 6430 i5 3rd generation। ओके। जो लगभग 12-12.5 की रेंज में मिल जाएगा। जी जी जी। ठीक है, ये आप कंडीशन देख सकते हैं माल की। तो गाइस आप देख सकते हो कितने बढ़िया पीस हैं, एकदम ब्रांड न्यू पीस लग रहे हैं। और दिखाता हूँ, जो अकाउंटिंग का वर्क करते हैं CA वगैरह, उन लोगों को फुल कीबोर्ड में चाहिए होता है। एक ये है अपने पास, जो कि फुल कीबोर्ड के अंदर है। एक आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि 3rd generation है। ये 3rd generation है, ये 4th generation है। आप माल की कंडीशन देखिए, बाकी फिर जैसे भी आपको डिमांड हो उसे आपसे लैपटॉप मिल जाएगा। पीस तो बेशक बहुत बहुत खूबसूरत है। ये डेल का है, ये डेल का है सर। ये i5 है, i3 है, कौन सा है? i5 4th generation। ओके ओके। इसके अलावा मेरे पास डेस्कटॉप की रेंज काफी होती है, अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है ना, जी जी, i5 चाहिए, i3, i5, i7, तीनों को सपोर्ट करेगी मशीन, तीनों को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा एक छोटी मशीन आती है, टिनी मशीन जिसे कहते हैं टिनी डेस्कटॉप। सर ये तो एकदम एप्पल की तरह लग रही है, इसी टाइप का होता है, मिनी मशीन है। हाँ, मिनी मशीन होता है। इसके अंदर ये कंडीशन देखिए आप। जी सर। है ना सर, वैसे बेशक है, खूबसूरत बहुत लग रही है मशीनें सारी की सारी। सपोर्ट करता है, इसमें HDMI पोर्ट भी है और VGA पोर्ट भी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी मशीनें हैं, छोटी सी। हाँ, 6th generation सपोर्ट करेगा, i36, i56, i76। ओके। इसके अलावा अपने पास लैपटॉप की तो काफी रेंज है,
और आपको कोई कलरफुल में चाहिए तो कलरफुल मिल जाते हैं, बहुत सारी डिमांड होती है कलर में चाहिए। तो ये कौन सी कंपनी है? डेल का ही है। डेल जी, ब्रांड हम तीन करते हैं, डेल, एचपी और लेनोवो। ओके, ठीक है ना, अदर कोई ब्रांड नहीं है अपने पास, डेल, एचपी, लेनोवो, इसमें काफी रेंज है अपने पास। तो सर अगर बाय चांस मान लीजिए किसी को बहुत अच्छे मतलब टाइप का लैपटॉप चाहिए तो मैक्सिमम रेंज कितने तक की आपके पास होती है? 23-24 हज़ार की रेंज में लाजवाब लैपटॉप मिल जाते हैं जो कि 6-7-8 जनरेशन तक की। अच्छा, ठीक है ना, ये लेनोवो का है जो कि 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो शानदार लैपटॉप है, डेल, एचपी और लेनोवो, ठीक है ना। ओके सर, एक बार ये भी ऑन करके दिखाइएगा। इसमें 8 GB रैम है, 256 SSD लगी होती है। अच्छा, ठीक है भैया, और कंडीशन आप देख लीजिए माल की। सर कंडीशन ब्रांड न्यू एकदम बहुत बढ़िया है, बेशक वेरी स्टॉक होता है जी सर। और ये बहुत लाइट वेट भी है सर। अपने को LCD वगैरह चाहिए हो, LCD मिल जाती है अपने पास डेस्कटॉप की जी सर। और सर LED ये स्क्रीन कितने तक की होती है सर, अगर किसी को लेना हो? अलग अलग रेंज के हिसाब से। अच्छा, इसमें दो तरह की आती है, एक वाइड आती है, एक स्क्वायर आती है जी जी। इसको थोड़ी सी रेट डाउन होते हैं, लेकिन वाइड जो है थोड़ा महंगा होता है। ओके ओके ओके, 18.5 इंच के लिए लगभग 3,000 रुपए रेंज में इस समय चल रही है जी जी। इनके रेट अप डाउन होते रहते हैं रेट। ओके, इसके अलावा आप पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? और सर अगर मैं ये आपके पास ऑल इन वन भी होते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक ऑल इन वन है, ये तो कभी कभी आते हैं। बाकी मेन डेल, एचपी, लेनोवो, मेन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अगर सर किसी को एप्पल चाहिए हो, एप्पल की जरूरत हो, वो ऑन ऑर्डर पे होगा? ओके ओके, बता दीजिए कौन सा मॉडल आपको चाहिए। अच्छा, उस हिसाब से। और सर अगर बेसिक मैं ये चाहूँ कि इनकी सर गारंटी वारंटी वगैरह में क्या होता है? मतलब 1-3 महीने देते हैं, 1 महीने हार्डवेयर की, 1 महीने सॉफ्टवेयर की। अच्छा, ब्रेक चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, कोई ओके। भी सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और सर ये मशीनें, मशीनें सर की कैसी हैं सर? ये सब जैसे कॉल सेंटर में लगानी है, स्कूल में लगानी है, सस्ती मशीन चाहिए ओके। किसी को तो ये मिल जाती है। और सर अगर किसी को आप मतलब कंपनी बल्क में चाहिए हो तो 10-20-50-100 कोई दिक्कत नहीं। और सर एक चीज और है, आप मतलब कितने टाइम से सर काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 20 साल से ऊपर हो गए हम ये काम करते हुए जी, लक्ष्मी नगर में इसी दुकान। ओके, तो सर अगर आपको मैं बताऊँ, मुझे एक असेंबलिंग अगर मुझे बाय चांस करानी हो CPU डेस्कटॉप की, तो असेंबल भी पूरा होके मिलेगा? जी सर, ठीक है सर। में डिपेंड करते हैं ना, आप अपने मन से लगवा सकते हैं कोई भी चीज आपको जी सर। आप इसका लगवाना है, रैम कितनी चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए, SSD चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ठीक है ना, और प्रोसेसर जो भी आपको जनरेशन के हिसाब से हो वो आप ले सकते हैं। जी जी जी, मैं ये चाह रहा था कि मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है i5 के अंदर या i7 के अंदर। i5 में लीजिए, 6th generation 7th generation, ये बहुत पॉपुलर चल रहा है इस समय, 840G3 840G4 जी, दोनों ब्रांड है अपने पास में। जो G3 है वो अपना 6th generation है, G4 7th generation है। ओके, इसमें 8 GB DDR4 है और 256 M.2 लगी है। ओके ओके, इसके अंदर इसी का छोटा जो भाई है वो ये है अपना 820 G3, ठीक है जी। हाँ, इसकी भी कंडीशन आप देखो, मैं इसे हटाता हूँ। नहीं सर, कंडीशन तो बहुत बढ़िया लग रही है, अपने पास एक रेट है, कहीं कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कंडीशन देख लीजिए, माल मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाय आप देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी बढ़िया है और कितने ही चमके हुए पीस हैं, बहुत बढ़िया, एकदम ब्रांड न्यू। और ये रिफर्बिश्ड होते हैं और ये कभी आपको कहीं पे भी रिपेयर नहीं होंगे, और ये मार्केट में आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेंगे। ये हर एक के पास ऐसे पीस, प्यारे पीस इतने हर एक के पास नहीं मिलते हैं। और सर क्योंकि मैंने भी देखा है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मार्केट के अंदर वो बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, कुछ कुछ चीजें जी सर, जो कह रहे हैं उसमें फर्क नहीं मिलेगा जी सर, ठीक है ना। क्योंकि सर गूगल पे भी मैं जैसे देखा तो सबसे पहले आपके पास आया मैं, क्योंकि आपका ही प्रोफाइल सबसे पहले ऊपर आया था। देख लीजिए आप, जैसे भी आपको डिमांड हो जी सर। और बाकी सर अगर किसी को बहुत दूर कोई रहता है और किसी को अगर चाहिए हो तो उसके लिए तो फिर वही वो ऑन ऑर्डर करेगा, उसके अकॉर्डिंग कोरियर से जाएगा। और सर जैसे होता है आजकल सुनने में आता है कोरियर में कुछ दिक्कत आ जाए या कुछ भी हो जाए, आ जाओ अपनी पसंद से लेके जी जी जी, या उनका कोई रिश्तेदार दिल्ली रहता हो उनको भेज दो, वो ज्यादा बढ़िया है जी। कोरियर में कई बार डैमेज होने का रिस्क रहता है। ओके ओके, इसलिए ज्यादा बेटर है, आते तो ज्यादा अच्छा। तो सर अगर आप मतलब यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। देखो दिल्ली के अंदर आप कहीं भी आते हैं बाहर से, सपोज करो नई दिल्ली उतरते हैं, पुरानी दिल्ली उतरते हैं या निजामुद्दीन उतरते हैं, ओके, वहाँ से 15-20 मिनट लगते हैं लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 पे आपको आना है जी, ठीक है। गेट नंबर 5 पे आने के बाद, उतरने के बाद 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे दुकान पे आने में जी। ये मेरे नंबर है, अगर किसी भी ऐसे नंबर नहीं मिलता है तो आप इससे व्हाट्सअप
मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, कई बार ऐसा तो नेटवर्क इशू है जी, तो नहीं उठ रहा है, तो आप उसे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल। और सर ये दोनों ही नंबर काम करते हैं आपके? ये दूसरा लैंडलाइन नंबर है हमारा जी, और ये अपना मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ओके ओके ओके, इसी वजह से ऐसा तो नेटवर्क का इशू है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके सर। बाकी सर गाइस आपने देख ही लिया है कि बहुत सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे आके, और एड्रेस तो आपको सर ने बताई दिया है। तो बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग आएँ यहाँ पे और बहुत ही अच्छे दाम में आपको यहाँ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।